हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? सब अच्छे से? न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो जो न्यू फ़ोन है वीवो टेक्नो इन्फिनिक्स के, इनमें जो एड्स चलते हैं इनको किस तरह से हमने बंद करना, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना आपने, ताकि आपको सही से समझ आ सके। ये जो एड्स चलते हैं ये बार 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 आते रहते हैं, कोई भी चीज़ प्ले करो तो एड्स चलना शुरू हो जाता है। और ये किसी एप्लीकेशन के ऐड नहीं होते, ये पता नहीं कंपनी की तरफ से भी ऐड होते हैं। तो आज हम इनको परमानेंटली बंद करेंगे। कल वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और जिन लोगों का मसला सॉल्व हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद वो कमेंट में लाजमी बताएं क्या उनका मसला सॉल्व हुआ है। मैंने तो बहुत सारे फ़ोन्स का इसी तरीके के साथ एड्स बंद किए हैं और वो 100% वर्क करते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद जो मोर कनेक्शन लिखा हुआ है सामने, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है मोर कनेक्शन के ऊपर। मोर कनेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ प्राइवेट डीएनएस जो लिखा है ऑप्शन है, तो गाइस यहाँ आपने प्राइवेट डीएनएस में चले जाना है। प्राइवेट डीएनएस में जाने के बाद यहाँ जो प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एंटर यूज होस्ट नेम जो लिखा है, यहाँ पे आपने एक कमांड लगा देनी है। तो गाइस, डीएनएस प्रोवाइडर में जाने के बाद यहाँ पे आपने एक कमांड लगा देनी है, dns.addguard.com। स्पेलिंग आपने अच्छे से चेक कर लेने हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, वरना ये काम नहीं करेगा। तो आपने इसको लगाने के बाद इसको सेव कर लेना है। ये चेक कर लें आप, यहाँ पे जो dns.addguard.com सेव हो गया। अगर आप किसी दूसरे अदर फ़ोन में यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा सम फ़ोन में ये वर्क नहीं करता, वहाँ पे ये कैन नॉट कनेक्ट दिखाएगा जिस फ़ोन में ये वर्क नहीं करेगा। मोस्टली 90% फ़ोन में ये वर्क करता है। तो ये चेक करने लग चुका है। इसके बाद इसको सेव करने के बाद आपने एक दफ़ा फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका एड्स का मसला है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। और जब तक, जब भी किसी भी फ़ोन में ये मसला आए, अगर आपके फ़ोन को रीसेट करते हैं, रीसेट के बाद तो वैसे भी एड्स का जो सिलसिला है वो रुक जाता है। तो उसके बाद